बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू एनआर व्लॉग। दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सीन ये है जी, आज हम शहर से बहुत ही दूर जा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त हमजा। कहाँ जा रहे हैं ये चल के आपको दिखाते हैं। हम जा रहे हैं जी अपने दोस्त के पास रकबे उसके, और उसके रकबे से जाने से पहले हम आपको अपना रकबा भी दिखाएँगे, हमारा रकबा कौन सा है। ये हम इसको साइड से नहर सेम वाला बोले सो क्या बोले सो मैं सेम वाला बोले सो नहर बोले सो क्या बोले सो एक छोटी ना सेम वाला एक छोटी सी नहर है, एक छोटी सी नहर का हिस्सा है, नाला है या जो ही है। मेरे दोस्त ने लगवाई है सोलर प्लेट्स, तो हमारा भी इरादा है सोलर प्लेट्स लगवाने का, तो चल के आपको दिखाते हैं। और ये देखें इधर नाले में एक छोटा सा क्या बोलते हैं ट्यूबवेल चल रहा है जो सरकारी है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये सब हमारे ही खेत हैं जिसके सब खेतों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह गन्ना ही काश किया हुआ है, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ भी सारी गन्ने की फसल है। और हमारा सोलर प्लेट सिस्टम ही लगा हुआ है, इंशाल्लाह हम ज़रूर लगवाएंगे। और यहाँ से हमने जैसे चौक से अब्बासी चौक से क्या लेना है, बोतल लेनी है अगले चौक से। व्हील ना टिफान को हूँ या फ्रीज में जी। हम आप माशाल्लाह इंटर हो चुके हैं जहाँ पर कोई घर नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, हर तरफ खेत ही खेत है माशाल्लाह। और यहाँ पर जो खुशबू आ रही है ना दोपहर की डाई हो रही है गन्ने की फसल की, और यहाँ पर वो क्या बोलते हैं सारियाँ या धान की फसल उसकी भी खुशबू आ रही है हल्की हल्की सी ना, क्योंकि अब उसका सीज़न भी शुरू है ना। और यहाँ पर देखो इस तरफ इस साइड पर कपास भी है, यहाँ पर कपास की इतनी पैदावार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले दो सालों में ना इतनी लगातार जोरों की बारिशें आती रही हैं ना, इस साल भी बारिश आई है लेकिन इतनी नहीं आई, और आती उसके साथ चलती है जिसकी वजह से कपास की फसल जो है ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ के लोग डर चुके हैं, और वो ये क्या करते हैं कपास की फसल काश नहीं करते और गन्ने की फसल ज़्यादा काश कर रहे हैं। जो है बिल्कुल सर के ऊपर है, मेरे फेस पे ऐसे धूप लग रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं। माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं अपने दोस्त के खेतों में, ये सामने प्लेटें लगी हुई हैं और ट्रॉली वाली ये प्लेटें लगी हुई हैं। इनसे हम यही पूछेंगे कि इनको सोलर प्लेटों में कितना खर्च आ चुका है और कितना ये टाइमिंग निकाल रही हैं प्लेटें और कितना पानी डेली रूटीन से भर रहा है। फाइनली जी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इधर अपने कैसे हो भाई दोस्त के पास, जो कि ये उन्होंने ट्रैक्टर अपना ठहराया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? इधर सलाम तो करें, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? आप सारा दिन अकेले ऐसे पड़े रहते हैं? गर्मी है, गर्मी तो नहीं इतनी, और नुसरत चला हुआ है इस टाइम। मैं सब भाइयों से ये गुजारिश करूंगा, तो 4 बजे अच्छा जी चलो 4 बजे की 4 बजे देखेंगे। अब मैं दोस्तों आपको चल के ट्यूबवेल दिखा रहा हूँ, प्लेटें दिखाता हूँ, पहले ट्यूबवेल दिखा लें। ये देखें दोस्तों ये सामने प्लेटें लगी हुई हैं और ये तार जा रही है, और आगे चल के आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें।
ये प्लेट लगी, मोटर चल रही है, मोटर की कोई आवाज़ नहीं है, फूल माहौल चल रही है। ये देखें दोस्तों, ये 6 इंच का लगा हुआ है पाइप, ये 6 वाला है, ठीक है। और ऐसे लग रहा है जैसे फीटर चल रहा हो पीछे से, पानी जा ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है भाई। अभी चल के आपको मैं प्लेटें दिखाता हूँ कि प्लेटें इन्होंने कितनी लगाई हैं और कितनी की पड़ी हैं वगैरह, इन्होंने नीचे से बनवाई है प्लेटों के लिए। ये भी आपको दिखाता हूँ, इतना स्पेशल यहाँ पर लाए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है मौसम बहुत अच्छा चल रही है और मज़ा आ रहा है। और हम यहाँ पर बैठ के अब हम खाना खाएंगे मजे से। वाह वाह, तुम खाना खाओ, मैं इनको प्लेटें दिखा लूँ अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स को। ये जी देखें दोस्तों, ये प्लेटें लगी हुई हैं माशाल्लाह, चेक करें ये कितनी लगी हुई हैं। मैं आपको गिन के दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्लेटें लगी हुई हैं दोस्तों। और ये ट्राली मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज से थोड़ा, इनका ट्रैक्टर भी ठहरा हुआ है और यहाँ से हल्की सी आवाज़ भी आ रही है। वे करंट तो नहीं पासी, करंट बला था नहीं, करंट है ट्राली में, हाथ तो लगा इसमें नहीं है। ये देखें दोस्तों, ये सेटअप चेक करें, सपोर्टें वगैरह इसने लगवाई थी, वो पता नहीं कहाँ पे लगवाई हुई है। ओए सपोर्टें कहाँ लगवाई थी तूने ओए? और यहाँ पे सुकून से बंदा बैठ भी सकता है आराम से, चेक करें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अच्छा जी दोस्तों, पहले हम अभी रोटी रोटी खा लें, रोटी रोटी खाने के बाद फिर हम इनसे सवालात भी करेंगे कि ये प्लेटें कितने की लगी हैं और कौन सी कंपनी की लगी हैं, अच्छी क्वालिटी की लगी हैं या लो क्वालिटी की लगी हैं, ये भी हम इनसे ज़रूर पूछेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर खाना चल रहा है, ये ईद का तीसरा दिन है। और ये चेक करें, दाल उबले हुए चावल, हलीम साथ हो गई, इसको हलीम, इसको दलीम कहते हैं, दलीम या हलीम जो भी हो। अच्छा दोस्तों, तो रोटी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिनिश कर ली है, खा पी ली है। और ट्रैक्टर की बात करूँ तो पहले हमारे पास भी इस तरह का ट्रैक्टर था, ये अलगाजी है ना, गाजी। तो मैं आपको चल के ऊपर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ, चेक करें दोस्तों, हर तरफ खेत ही खेत है, मैं ढहना पे आऊँ तले, ये चेक करें। और मैं ठहरा हूँ ट्रैक्टर के ऊपर फिलहाल, ये चेक करें, हर तरफ खेत ही खेत है माशाल्लाह, ना कहीं पे कोई घर नहीं है। और प्लेटें हैं इधर, और ये रोटी खा रहे हैं लड़के, और हम इधर ठहरे हुए हैं ट्रैक्टर के ऊपर। अभी कपड़े शपड़े लाते हैं और हमारा वो ठहरा है शॉर्ट्स, तो उसको डालते हैं और फिर नहाते हैं। जो नहाने वाला सिस्टम है ना वो काफ़ी छोटा है, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे, एक एक करके नहा लेंगे। ये हम दोस्तों नहाने के लिए जा रहे हैं, मैंने एक टुबकी लगा ली है। इधर से हमजा भाई ये जामुन खा रहे हैं, क्या खा रहे हो? नाल नहीं खा रहे सही यार, अभी और तोड़ दे ना यार, कहीं तोड़ ना, पक्के वाले ऊपर हैं यार काफी। किधर है ऊपर वो देखो ना भाई, ये देखो, मतलब तोड़ एक हत तोड़, हम तो खाएं थोड़े से चख लें। ये देखें जी अभी जामुन पक रहे हैं, ये चेक करें, शेख साहब जी हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं इधर, क्या बोलते हैं जामुन के दरख्त पे, अल्लाह से नहीं मान जी अड्डा ना बो जम्मू तू हमजा, ये कच्चे तो नहीं भी अमरू जम्मू, ये कच्चा है भैया, ये देख ना बिल्कुल रेड हुआ, रेड नहीं ब्लैक पका हुआ था, होता है फल यार, इसका अपना रंग होता है यार, जामन अच्छा, है ना। अच्छा गर्मी क्या लगती है, हाँ ये लड़ी पूरी छगन 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 पूरी ट्रेनिंग से निकाल दे। ले आ ले आ शेख, नीचे ले आ मेरे हाथ में दे ना, दिखा भाई इधर, ओए रुक जाओ ना यार, अभी सारे इकट्ठे तो होने दो उसको बना ना, ये उस तरह के ये सारे इकट्ठे, ये देख सर अच्छा वाला, तूने खुद निकाल लिया यार, ये देखो अब देख अच्छे वाले किधर है, अच्छे वाले ठीक है, कहा तो दिखा एक धोने तो दे यार, धोते हो ना धो लिए हैं कुर्ते गाल ला से नहीं मांझ वाला, तू सारे पे खा वैसे एक मुझे दे ना,
नाओ भाई आप ही नाओ इधर ड्रेस है हाँ पी लें हाँ कितने तोड़ा है पानी बड़ा ठंडा यार दब 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 देना दब दब बलोग ये जी रेस महबूब साहब अच्छा ना रेस महबूब साहब इनका इधर ही सात ही घर है एक ही घर है सिर्फ क्रिकेट खेलते थे हाँ बचपन में क्रिकेट खेलते थे हाँ क्रिकेट खेलते थे हमारे साथ ये ले खा ले ये ले ना ऐसे ना बोलो भाई ऐसे ना बोलो आ जाओ शेख भाई बनैन पुटी पी लंबा यार मैं डालते हैं ऐसे पुटी ये जो कन्नी है ना इसकी अंदर वाली साइड पे आती है ना सुबह अच्छा अच्छा सुबह दोस्तों हमने काफ़ी नहाया है बहुत ही मज़ा आया है और हम शेख साहब से पूछेंगे शेख साहब नहा के कैसा फील कर रहे हैं आप बड़ा ठंडा पानी था यार बड़ा ठंडा पानी था सब सब आप बताएं कि आप नहा के कैसा फील कर रहे हैं बहुत अच्छा बहुत ठंडा अच्छा गर्मी दूर हो गई है ना ओ चलो ठीक है हमजा मुसल्ली से पूछते हैं हमजा भाई क्या हाल है कैसा फील कर रहे हैं नहा के बहुत अच्छा मजा आ रहा है हाँ बहुत अच्छा ये जो भाई है ना ये हमजा भाई हमजा भाई है ना जो ये चींटियों कबीलियों से क्या कबीलियों क्या है भाई चूंटियों से और दूसरी हशरात से ना ये हमजा भाई जो है ना बहुत ही डरते हैं तो मैंने ना एक दरख्त का ना दरख्त से ना पता थोड़ा इसकी गर्दन पे रख दिया तो ये बहुत ही डर रहा था तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहा लिया है तो अभी लास्ट जो होंगे दो तीन बातें होंगी हम भाई से पूछेंगे कि इस प्लेटों पे कितना खर्चा आया है और ये कैसी परफॉर्मेंस दे रही हैं और एक दिन में कितने मतलब एक कड़कनाल ये जो भी होता है भर जाता है खेतों में जनवरी सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ चुका हूँ तो वापस तकरीबन एक घंटा हो गया 5 बजे वापस आ गया था सीन ये हुआ जी दोस्तों उधर मैंने अपने दोस्त से पूछना था प्लेटों की मालूमात तो मालूमात तो मुझे पहले ही पता था लेकिन आपके साथ शेयर करनी थी उनके मुंह से ही सुनना था उनकी तकरीबन प्लेटों का सिस्टम बनना है 15 प्लेटों का सिस्टम बनना है तकरीबन 15 से 16 लाख से लाख तक क्योंकि उसकी जो प्लेट बैटरी है वो बैटरी बोल रहा हूँ मोटर है वो 12 की लगी हुई है मेरे ख्याल में 12 की या 10 की लगी हुई है तो 2 प्लेटें उसकी एक्स्ट्रा हैं 13 प्लेटों में वो चल रहा था सोलर तो मेरा मोबाइल उधर बंद हो गया था टम्परेचर की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी नहा के फिर हम उधर को बोतल शोतल पिया खाना शाना था सब कुछ था और दोस्त भी आ गए थे तो मुझे हो रही थी देर शीशा बना रहे थे काफ़ी इंजॉय किया माशाल्लाह तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप ठहर जाएँ शीशा पी के जाएँ लेकिन मैंने कहा नहीं यार मुझे जाना है मुझे काम है पीछे जानवरों का काम करना था तो अभी वापस आ गई अभी मोबाइल चार्ज से निकाला है तो सीधा इधर फार्म पे आ जाऊँ तो अभी जा रहा हूँ मामू के घर
तो आपका वीडियो भाई वीलॉग कोई देरी कर रहे हैं एंड, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ, और दुआ मुझे याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।